यूपी के बांदा में शनिवार को चुनाव कराकर लौट रही पोलिंग पार्टी पर कुछ हमलावरों ने हमला कर दिया। गिरवा के सरसोवा बूथ से लौटते वक्त मतपेटियां लूटने के प्रयास में फायरिंग हुई। पोलिंग पार्टी के साथ चल रही पुलिस ने जब रोकने की कोशिश की तो हमलावरों ने पुलिस पर पथराव किया। जवाब में पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज हुआ। घटना में 9 लोगों के खिलाफ गैंगस्टर का नामजद मुकदमा दर्ज हुआ है। वहीं दूसरी तरफ गांव में घटना के बाद से तनाव का माहौल है। लोग पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठा रहे हैं। तो इधर जो है मुहर लगाई जाती, ऐसे पूरा मोड़ रहे थे तो उसकी स्याही यहाँ लग रही थी, तो मैंने विरोध किया। मेरे सामने देखते देखते 4-5 लोगों का इसी तरह मोड़ करके दिया। मैंने उनका विरोध किया, मैंने कहा गलत मोड़ रहे हैं, हमारी वोटें अनवैलिड करवा रहे हैं। तो वो नशे में हो चाहे जैसे वो गाली गलौज करना शुरू कर दिए। इसके बाद उन्होंने पुलिस को फोन ऑन किया, दरोगा आ गया, उसने कहा किससे है बातचीत हो गई, तो मैं उससे बयान देने के लिए फिर अंदर कढ़ील कर ले गए और लाठियों से जो है मारा पीटा, बंदूक की कुंडों से मारा। सुबह 4:45 बजे पोलिंग पार्टी बक्से सील होकर के गांव से बाहर निकलने लगे, तो वो गांव वाले विवाद करने लगे और बक्सा छीनने का प्रयास उन्होंने पोलिंग पार्टी से किया। चूंकि पुलिस पार्टी साथ थी तो पुलिस पार्टी ने जब ऐसा करने से उनको रोका, उस बात पर उन्होंने पुलिस के ऊपर पथराव करना शुरू कर दिया, जिसको पुलिस ने दौड़ाकर हल्का बल प्रयोग करके उनको रोका और पुलिस अपने आप तथा पोलिंग पार्टी को सुरक्षित लाकर बक्से जमा कराई। और अनवर रजा जुड़ गए हमारे साथ, हमारे संवाददाता। अनवर, क्या है ये मामला? मामला ये है, मतदान होने के बाद में जब पोलिंग बूथों से जो मतपेटियां ले जाई जाती हैं, उस समय एक बड़ा हंगामा हुआ है और पुलिस की एक बहुत बड़ी लापरवाही है यहाँ पर सामने आई है। लोगों के बीच में जो लाठियां चलना और पथराव हुआ है, इस पे एक बड़ी एक लापरवाही सामने आई है। जी बताइए। जी अनवर, बिल्कुल ऐसे ही कुछ मामला कन्नौज में भी देखने को मिला था, जहां पर जो मतपेटियां थी वो कुएं में फेंक दी गई थी। कहीं ना कहीं भी पुलिस की भूमिका पर सवाल उठे थे, पुलिस की भूमिका उसमें संदिग्ध रही थी। अब क्या लगता है, जो अगले चरण का चुनाव होगा प्रधानी, पुलिस की जो भूमिका है उस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, अब प्रशासन के लिए कितनी बड़ी चुनौती बन गई है? जी बिल्कुल, कहना बिल्कुल सही है कि प्रशासन के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। जिस तरह से आला अधिकारी अब इस समय हम लोगों से बात कर रहे हैं और लोगों का अधिकारियों का कहना है कि चुनौती महत्वपूर्ण है हम लोगों के लिए और अब ये जो लापरवाही हुई है उसको सही करने की कोशिश कर रहे हैं। जी, कितने लोगों के खिलाफ इस मामले में कार्यवाही हुई है अब तक? जिस तरह से मैंने जब अधिकारियों से बात की थी उस समय इन्होंने 9 नाम दर्ज करवाए थे और अज्ञात में लगभग आधा सैकड़ा लोगों का अज्ञात में नाम लग दिया गया था। जी शुक्रिया इस तमाम जानकारी देने के लिए अनवर रजा आपका। तो लगातार इस तरह की घटनाएं बढ़ती ही जा रही हैं। पूरे प्रदेश में इस वक्त ग्राम प्रधानी चुनाव हो रहे हैं। कल जिस तरह से पहला चरण था, कन्नौज से भी बूथ कैप्चरिंग किसी तरह की खबर आई थी, बूथ कैप्चरिंग का मामला सामने आया था और उसके बाद एक बार फिर से आपको बता दें कि ग्राम पंचायत चुनाव के बाद हमला हुआ है। बांदा की ये घटना है, जो प्रत्याशी हैं उनके साथ फायरिंग और मारपीट हुई है और अब तक कई लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। कई अज्ञात लोग भी शक के घेरे में हैं।